तो दोस्तों ये रहा हमारे पास यहाँ पे मोटो E32S और आज की वीडियो में हम जो है इस फोन का वोटर टेस्ट करके देखने वाले हैं और देखने वाले कि ये जो फोन है वो हमारा वोटर टेस्ट सर्वाइव कर पाता है कि नहीं कर पाता। सो जानने के लिए सिंपली इस वीडियो को देखते रहें। तो दोस्तों ये रहा हमारा फ़ोन मोटो E32S। तो इसको फ़ोन को बॉक्स से सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं। इस टाइम बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ नया का नया पड़ा है। और कवर उतार लेते सबसे पहले इसका, तो मैंने कवर इसको उतार लिया है। वर्किंग कंडीशन के अंदर मैं इसकी डिस्प्ले जो है ऑलवेज ऑन कर देता हूँ इस टाइम। सो मैंने डिस्प्ले भी इसकी ऑलवेज ऑन कर दी है। अब तो आप उठाते अपना बाउल, तो ये रहा हमारा यहाँ पे बाउल जिसके अंदर से इसका वोटर टेस्ट करने वाले हैं आज हम। सो ये रहा हमारा फ़ोन, फ़ोन को रख देते हैं इसके अंदर। ये रहा हमारा यहाँ पे फ़ोन, तो फ़ोन हमें रखते हैं इसके अंदर। तो आप डालते हैं इसके अंदर पानी। सो एक जग पानी डाल देते हैं पहले। तो एक जग पानी डाल दिया, यहाँ टाइमर भी हम स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे एक जग पानी और डाल देते हैं। तो अभी मैंने इसके अंदर दो जग पानी डाल दिया और आज की स्पीड में हम जो है इसका लगभग 2 मिनट तक इसका वोटर टेस्ट करके देखने वाले हैं और देखें कि ये जो हमारा वोटर टेस्ट सर्वाइव कर पाता है कि नहीं कर पाता। लेकिन आपको पता ही है दोस्तों कि ये जो फ़ोन है वाटर प्रूफ तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका वोटर टेस्ट करें क्योंकि हमें ये जानना है कि बाई चांस हमारा कभी ये वाला फ़ोन पानी के अंदर गिर जाए उसके बाद कितनी देर तक ये जो है सर्वाइव कर पाता है कि नहीं कर पाता, कितनी देर सर्वाइव कर पाता है। सीधी सी बात ये है, मतलब बाई चांस मान लीजिए हमारा फ़ोन किसी बाल्टी से पानी से भरी बाल्टी के अंदर गिर जाए, गलती से गिर जाए, उसके बाद ये फ़ोन हमारा वर्क करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि हम साथ साथ निकाल लेते हैं, लगभग मैक्सिमम 1 या 2 मिनट तक रहेगा, इसलिए मैं 2 मिनट तक ही टेस्ट करने वाला हूँ। 2 मिनट के अंदर हम इसको निकाल लेंगे, वैसे 5-10 सेकंड के अंदर निकाल लेंगे, लेकिन बाई चांस कहीं पर नहीं निकलता तो मैक्सिमम मैं 2 मिनट तक कर रहा हूँ कि 2 मिनट के अंदर हम उसको निकाल लेंगे पानी से बाहर, उसके बाद देखते हैं हमारा फ़ोन वर्क कर पाता है कि नहीं। वो चीज़ चेक करने के लिए हम जो इसका वोटर टेस्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल तो ये काम कर रहा है, इस टाइम स्क्रीन ऑन ही है, टच इसके काम नहीं करती क्योंकि पानी के अंदर टच नहीं काम करती है। सो अभी हमारा 1 मिनट यहाँ कंप्लीट हो चुका है, टोटल हम इसका 2 मिनट तक करने वाले हैं टेस्ट। सो फिलहाल तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, मतलब कि डिस्प्ले दिख रही है, बाकी सब तो कुछ कहीं भी थे। सो अभी यहाँ 1 मिनट 20 सेकेंड बीत चुके हैं, तो जैसे ही 2 मिनट हो जाएंगे हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो अभी यहाँ पे 1 मिनट और 30 सेकेंड यहाँ बीत चुके हैं इस टाइम, और अभी भी मेरा फ़ोन फिलहाल ऑन ही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मतलब कि अभी दिख तो रही नहीं कोई दिक्कत। सो नहीं होगी, नहीं होनी भी नहीं चाहिए वैसे। तो 1 मिनट 40 सेकेंड हो चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर 2 मिनट से ज़्यादा करा तो ऑब्वियसली क्योंकि वर्ड वो तो फ़ोन है नहीं तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करने वाला, सिर्फ 2 मिनट तक ही करूँगा। क्योंकि 2 मिनट के अंदर अंदर बंदा अपना फ़ोन पानी के अंदर से निकाल ही लेता है चाहे जो हो जाए, क्योंकि वाटर प्रूफ तो खैर है ही नहीं है फ़ोन। सो अभी हमारे यहाँ पे 2 मिनट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं स्टॉप कर देता हूँ टाइमर को और यहाँ से अब फ़ोन को निकालते हैं बाहर। और यहाँ पे अभी तक तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, इसको पहले थोड़ा झाड़ लेते हैं। तो इसकी जो है ऐसे करने पे जिसकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है ना, तो मैं झाड़ रहा था फ्लैश लाइट ऑन होगी, दोबारा से बंद करते हैं तो फ्लैश लाइट बंद भी होगी। सो फिलहाल हमारा फ़ोन में कोई दिक्कत, टच काम कर रही है, सही काम कर रही है, और यहाँ और कुछ करें तो यहाँ सब कुछ सही काम कर रहा है। तो यहाँ कैमरा ऑन करूँ अगर मैं, तो बैक कैमरा तो आप देख सकते हैं कि सही काम कर रहा है इस टाइम बैक कैमरा, और फ्रंट कैमरा देखे तो फ्रंट कैमरा भी यहाँ पे सही काम कर रहा है, कोई गोस्ट चली चीज़ भी नहीं आ रही है, टच भी मतलब टच में भी कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल तो। बाई चांस अभी तो यहाँ मुझे लगता नहीं कि इस टाइम कोई दिक्कत आने वाली, क्योंकि इतनी जल्दी फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन बाई चांस फ्यूचर में कभी इसमें कोई दिक्कत आए, मतलब कि जब टेस्ट होने के बाद कभी भी इसमें कोई दिक्कत आए, तो मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में या फिर अपने कम्युनिटी टैब में बता दूंगा कि इसमें कोई दिक्कत आई है। वैसे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा अगर इसमें कोई दिक्कत आई, अगर नहीं आई फिर तो क्या ही बताऊंगा। तो दैट मीन्स मतलब फ़ोन सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मतलब कि कंडीशन पर डिपेंड है कि कितने गहराई के अंदर, काफ़ी ज़्यादा गहराई के अंदर फिर तो हो सकता है कि दिक्कत आ सकती है, लेकिन नॉर्मल गहराई के अंदर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है जितना फ़ोन आई, क्योंकि पानी देखिए थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है इसके अंदर। तो 2 मिनट के अंदर कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा रखेंगे तो उसका दिक्कत आ सकती है। तो फिलहाल तो इस फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब कुछ सही चल रहा है, और यहाँ पे कैमरा भी सही चल रहा है, टच भी काम कर रही है, बटन्स भी यहाँ पे काम कर रहे हैं इसके, है ना, हाँ काम कर रहा है, ऑन हो गया,
वॉल्यूम बटन काम कर रहा है। हाँ वॉल्यूम बटन भी यहाँ पे काम कर रहा है, तो लगभग सारे बटन यहाँ पे इस टाइम काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी फ्यूचर में कोई दिक्कत आई तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बता दूंगा कि कोई दिक्कत आई है कि नहीं आई है। और हाँ दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आपका फ़ोन बाई चांस कभी पानी के अंदर गिर जाए तो उसके बाद अपने फ़ोन को जो है स्विच ऑफ कर दीजिएगा और चावलों के दानों चावलों के अंदर जो है उसको दबा दीजिएगा, कम से कम एक दिन के लिए 24 घंटों के अंदर दबा दीजिएगा, क्योंकि चावल जो है सारा पानी आपका सोख लेता है। और मैंने अभी अपना फ़ोन यहाँ पे देखिए स्विच ऑफ कर दिया है ताकि इसमें कोई दिक्कत ना आए, तो कुछ टाइम बाद मैं दोबारा से इसको ऑन करूँगा, फिर देखेंगे कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही। मतलब एक दो दिन तक तो ऐसे चावलों के अंदर तो नहीं डालूंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसे टेस्ट करना है कि बिना उस चावलों के कितना जो है ये फ़ोन सर्वाइव कर पाता है कि नहीं कर पाता, अपने आप ये फ़ोन ठीक होएगा कि नहीं होएगा। तो फिलहाल मैं इसको एक दो दिन ऐसे स्विच ऑफ ही रखने वाला हूँ, उसके बाद इसको ऑन करूँगा और देखूँगा कि जो फ़ोन है हमारा सही चलता है उसके बाद कि नहीं चलता। और अपना फ़ोन आपका फ़ोन कभी गिर जाए तो उसको चावलों के अंदर जरूर डाल दीजिएगा और स्विच ऑफ करके डाल लीजिएगा, और स्विच ऑन तब तक नहीं कर लीजिएगा, मतलब कम से कम 24 घंटों के अंदर अंदर तो स्विच ऑन मत कीजिएगा उसको, और उनको चावलों के अंदर ही रखिएगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।